तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी में। और आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जोधपुर जंक्शन के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर जंक्शन जो कि खुद एक मंडल है भारतीय रेलवे, उसे अब करोड़ों की लागत से दोस्तों एयरपोर्ट की तर्ज पे उसकी मॉडलिंग करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी की जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पर हटा करके नई बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें दोस्तों जोधपुर की जो बिल्डिंग है दोस्तों उसको 4 मंजिला कर दी जाएगी। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, अभी जब इस लिस्ट की यहाँ पर बात चालू हुई थी कि दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन ऐसे होने वाले हैं जिनको अभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, तो दोस्तों उनमें इन सब रेलवे स्टेशनों का नाम नहीं था। शुरुआत में 10 रेलवे स्टेशनों का नाम निकला था, जिसमें दोस्तों सबसे पहले रानी कमलापति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो है साबरमती रेलवे स्टेशन है, गुजरात का ही गांधीधाम रेलवे स्टेशन है, और आगे हम बात करें दोस्तों ग्वालियर, पुणे, और उसके बाद में दोस्तों मथुरा जंक्शन। ये कुछ रेलवे स्टेशन थे, उनके साथ में काफ़ी रेलवे स्टेशन थे। अभी पिछले 1.5 सालों में जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर भी काफ़ी सारे स्टेशनों के नाम यहाँ पर निकल करके आ गए हैं, जिनको अभी यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें कि दोस्तों जोधपुर जो है खुद एक मंडल है, अब राजस्थान के अंदर तो काफ़ी सारी जो मांगें दोस्तों वो चल रही हैं, लेकिन भारतीय रेलवे उन पर खर्चा करने के बजाय बल्कि इन सब चीज़ों पर खर्चा कर रही है जिन्हें अभी यहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जोधपुर को दोस्तों 400 करोड़ की लागत से जो 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पर मॉडिफाई किया जाने वाला है, जो कि दोस्तों इसकी बिल्डिंग जो है यहाँ पर 4 मंजिला होने वाली है। इसमें दोस्तों मॉल नहीं होंगे, इसमें दोस्तों वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, जीआरपी कार्यालय, अन्य कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पर, और जो कि बाकी जो कि यहाँ पे सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर यहाँ पे जो भी होने वाला दोस्तों, वो यहाँ पे खान पान के स्टॉल आदि यहाँ पर उसमें लगाए जाने वाले हैं। और दोस्तों मंडल है तो जो 4th फ्लोर होने वाला है वो मंडल के कार्यों के लिए यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। जोधपुर के आगे की काफ़ी सारी जो जगह है दोस्तों उसको यहाँ पर क्लीन किया जाएगा, ताकि वहाँ पर एक चिल्ड्रन पार्क या फिर एक फाउंटेन पार्क को यहाँ पर बनाया जा सके, जिससे कि दोस्तों जोधपुर सिटी का या फिर मैं बोलूँ दोस्तों गोल्डन सिटी की यहाँ पर जो छवि है उसको अलग ही देखने को मिले। अगले महीने तक या फिर दोस्तों इसी महीने में ही हो सकता है इसके टेंडर यहाँ पर जारी कर दिए जाए, क्योंकि दोस्तों जो अक्टूबर में इसका जो काम है दोस्तों उसको यहाँ पर शुरू करने की बात की जा रही है। 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर सिटी स्टेशन को यहाँ पे पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, यानी कि जो गोल्डन सिटी की जो सांस्कृतिक धरोहर है जो कि स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर देखते ही यहाँ पर निखरती है, उसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों कुछ नए तरीके का मॉडल यहाँ पर सेट किया गया है, थंबनेल में आपने देखा है, और दोस्तों अभी यहाँ पर फोटो भी दिखा रहा हूँ, क्लीन फोटो नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक होटल जो है यहाँ पर दोस्तों 5-स्टार होटल जो है स्टेशन से थोड़ा अलग यहाँ पर खोलने की भी बात यहाँ पर की जा रही है, जिसमें दोस्तों लेडीज कोर्ट यहाँ पे अलग होने वाला है। और वहीं हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मॉल की तो सुविधा खैर नहीं दी जाने वाली, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर होटल के अंदर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नॉर्मल तरीके से आप उनको परचेज कर सकते हैं, आप वो दोस्तों उसमें आप लोग लेडीज़ का सामान भी ले सकते हैं। फूड कोर्ट है तो फूड कोर्ट का भी यहाँ पे आप लुत्फ उठा सकते हैं, और यहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट की तो खैर सुविधा दी ही जाएगी अगर बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया जा रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर बताइए कि दोस्तों राजस्थान का जयपुर जैसे स्टेशन को छोड़ करके खातीपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण और बाकी कुछ रेलवे स्टेशनों के यहाँ पर इसी तरीके से निर्माण की बात जो चल रही है वो यहाँ पर निकल करके आ रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन यहाँ पर जोधपुर को नहीं दिया गया है, और आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आखिर वंदे भारत को ना देकर के मॉडिफिकेशन इस सेक्शन का करना या फिर इस स्टेशन का करना वो कितना जायज़ है और या नहीं है। ट्रेनों के संचालन की या फिर नई रेल लाइनों की मांग की जो भी बातें हैं उसको रेलवे इग्नोर करता है, वहीं 500 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेशन का निर्माण कर रहा है। आप अपनी तरफ से यहाँ पर सुझाव जरूर से दीजिएगा, और जोधपुर वालों के लिए खैर ये अच्छी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गोल्डन सिटी जो है अब एक और उपलब्धि यहाँ पर हासिल करने वाला है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना, और इसको दोस्तों शेयर जरूर से कर देना जोधपुर वालों के साथ, तो स्पेशली इसको शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।